खुद के बॉस रहते हैं, नहीं निकल पाते अपने वो उसमें पैसा बहुत कमाते हैं, खुद के बॉस रहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तीसरा क्या है? बिजनेस माइंड सेट। बिजनेस माइंड सेट। और अब चौथा क्या है? इन्वेस्टर। आज मैं चार माइंड सेट आपको बता रहा हूँ, मैं तुम सुन लो सना। पहला माइंड सेट है एम्प्लॉय माइंड सेट, जो एम्प्लॉय रहते हैं मतलब एक नौकरी करते रहते हैं अपना पूरा जीवन उसी में बता देते, उसे कहलाते हैं एम्प्लॉय माइंड सेट। वो जोखिम नहीं लेते, सिक्योरिटी में रहते हैं, टाइम सेव रहते हैं, फीलिंग सेव रहती है उनकी, फीलिंग सेव रहती है उनको, रिश्तेदारियों से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय माइंड सेट, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब इनका एक दायरा रहता है, मतलब उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाते हैं, हमने कुछ खोल लिया उसी में सीमित रहेंगे, दो कर्मचारी रख देंगे और खुद पे काम करेंगे, कर्मचारियों पे काम नहीं करेंगे, व्यवहार कुशलता रहेगी लेकिन नाम मात्र की। तीसरा रहता है बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट में बता दिया जॉब देते हैं, एचआर रहता है काम करने के लिए, काम कैसे लेना है, सिर्फ व्यवहार रहता है, टीम वर्क रहता है और सीखते रहने की लर्निंग रहती है, इसमें दायरा बहुत है, अपने काम को सीमित नहीं रखते, दायरा फैलाते रहते हैं। ठीक है, और लास्ट माइंड सेट क्या है? इन्वेस्टर। ये लोग क्या करते हैं बताएगा, इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर का मतलब क्या रहता है? जो ये सब करते हैं ना, ये सब क्या करता है, इसके पास पैसा रहता है, वो पैसा लगा देता है, वो क्या कहते हैं, रिलायंस पे मेरा लग गया 2 करोड़ रुपए, अब वो क्या करेगा, 2 करोड़ रुपए कितना कमा के देगा, जब रिलायंस छोड़ेगा तो उसको फायदा होगा। ये क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना ली, कोई प्रॉपर्टी किराए पे चलाते हैं, कोई जगह ले दी, बिल्डर लोग ले जाते हैं, बिल्डर जो बिल्डर रहते हैं वो जगह ले लेते हैं और वो प्लॉट बना के बेच देते हैं। हाँ, शेयर रहता है, मतलब ये कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ पैसे को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं और ये अपनी पूंजी को मतलब अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट, हाँ पूंजी को यूज करते हैं और ये फ्रीडम में रहते हैं। फ्रीडम का मतलब समझते हो, इनको कोई मतलब नहीं है, जब पार्टी करना हो, जब इंजॉय करना हो, सब कर सकते हैं, इनका बड़े बड़े लोगों से तालमेल बना रहता है। ठीक है, ये पैसिव इनकम समझते, पैसिव इनकम क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ये क्या करते हैं, वही चीजें मैंने बताई, कहीं कहीं का पैसा कहीं लगा देना। तो सबसे अच्छा माइंडसेट कौन सा है कोई बताएगा? बिजनेस माइंडसेट। चलो तुम बताओ सबसे अच्छा माइंडसेट कौन सा है तुम्हारे लिए? फ्रीडम एंड बिजनेस। फ्रीडम कौन सा माइंडसेट हो गया? सॉरी, इन्वेस्टर्स। हाँ, तुम्हारे लिए बिजनेस, तुम्हारे लिए बिजनेस माइंडसेट, आपके लिए बिजनेस, आपके लिए। अच्छा, तुम्हारा और आपके निकल जाता है बीच बीच में, ऐसा नहीं जिस बार सोना तुम्हारा तुमको बोला आप किसी को बोला, एक बार कम्युनिकेशन में आप और तुम निकल जाते हैं। इन्वेस्टर में क्या है, पहले तो आपके पास उतना अमाउंट होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, दूसरी बात रिस्क का ज्यादा, रिस्क तो है लेकिन फ्रीडम भी तो है, क्योंकि आप किसी कुछ नहीं करना, आपको पैसे यहाँ से वहां लगाते, आज भी तुम्हारी उम्र के लड़के, कई लड़के पढ़ते रहते हो, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते, कई लोगों को देखा मैंने जॉब, सर एक लड़का है 27 उम्र की, जॉब छोड़ के शेयर बाजार में काम करता है, वो कुछ नहीं करता, लॉस का है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं, प्रॉफिट उतना। आप बताइए आपको कौन सा माइंडसेट? आप चारों माइंडसेट अच्छे हैं, गुजरना सबसे है सर, जैसे जैसे स्टार्टिंग में करियर की जो सबसे अच्छे एम्प्लॉय माइंडसेट है कि अभी हमें पहले पहला ऑप्शन तो हमारे लिए अभी जॉब पाना है ना, अभी तो आपका थोड़ा पैसा आएगा तब हम बिजनेस खोल पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे, जब आपके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं तो आप क्या बिजनेस खोलेंगे, अभी तो थोड़ा टाइम मतलब सबसे जरूरी मतलब एज अ स्टूडेंट तो एम्प्लॉय माइंडसेट है ना कि अभी एक अच्छी नौकरी पे पहुंचना, लेकिन है सबसे, मैंने बोला अच्छा एम्प्लॉय, लेकिन इससे दायरे से निकलते कई लोग नहीं है, ये निकलना जरूरी है, इन्हें बी से लेकर सी तक भी पहुंचना जरूरी है। मैं किसी भी ए बी सी डी को नहीं बोल रहा कि ये गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए बी सी डी से डी तक भी पहुंच सकता है इंसान, सी तक भी पहुंच सकता है इंसान, है ना, कई लोग लेकिन ए में खोए रहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कई लोग बी में खोए रहते हैं सर। चारों अपने अपने जगह सही है, आप चारों सही है। चलो एक बार लेट टाइम में रिवाइज कर देता हूँ, आज हम लोग ने चार माइंडसेट पढ़े हैं,
चारों माइंडसेट में सबसे पहले एम्प्लॉय माइंडसेट। एम्प्लॉय माइंडसेट में क्या है, लोग जोखिम नहीं लेते, सिक्योरिटी में रहते हैं, टाइम सेविंग में रहते हैं, उन्हें फीलिंग नहीं रहती है, सेफ फीलिंग रहती है, ठीक है ना। और सेल्फ माइंडसेट में क्या रहता है, उनका एक दायरा रहता है, दायरा मतलब एक छोटा सा कुछ खोल लिया वही सीमित रहते हैं, दो तीन एम्प्लॉय रख लेते हैं लेकिन उनकी व्यवहारिकता कुशल नहीं रहती है, वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं उनको इम्प्रूव नहीं करते, लर्निंग पे काम करते लेकिन खुद की लर्निंग पे दूसरों की लर्निंग पे काम नहीं करते। तीसरा क्या रहता है, बिजनेस माइंडसेट, समझाई चुके हैं आप नहीं आए थे। बिजनेस माइंडसेट में क्या करते हैं, जॉब लोग को देते हैं, जॉब लोगों को देते हैं, एचआर का पालन करते हैं, मतलब एचआर ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सुविधाएं देते हैं, उनको जॉब देते हैं हर तरह की, जिससे वो छोड़ के ना जाए और वो अच्छे से काम करें, ठीक है। तीसरा, काम कर कैसे लेना है उनमें, किस आदमी से किस प्रकार का काम लेना है, उनमें ये चीजें रहती है, जैसे तुमसे हमसे क्या काम लेना है मेरे को पता है, कुछ भी काम नहीं लेते, नहीं मतलब अगर तुमसे तुम कोडिंग सीख रहे हो टैली का काम नहीं कराएंगे, तुमसे कोडिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। अगर ये व्यवहार कुशल रहते हैं, ये टीम बनाकर काम करते हैं, लीडरशिप रहते हैं, ठीक है, इनमें सबसे बड़ी बात है सीखते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टर, जो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है, इन सब चारों से हो सकता है आपको गुजरना पड़े, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इस तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी सफलता मेरे को, मैं सबसे बड़ी खुशी इसमें ये होगी कि अगर आप यहाँ तक पहुंचोगे, कहाँ पे, हाँ नहीं सब लोग हम भी यही थे, सब लोग यही थे, हमें सर भी वही थे, सब लोग अच्छे अच्छे लोग वही रहते हैं, कुछ भी हो, लेकिन क्या है कि आप एक उसका यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचिए, यहाँ तक ना पहुंचे चल जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुंच गए ना तो बहुत बड़ी बात है ना, कहलाएगी, ठीक है ना, चलिए बढ़िया है।